तो उनको पति और पत्नी का सर्टिफिकेट लेना होता है मजिस्ट्रेट के यहाँ से। जब मजिस्ट्रेट के यहाँ वो अप्लाई करता है कि हम पति पत्नी हैं और हमने बौद्ध धर्म के अनुसार अपना विवाह किया है, तो मजिस्ट्रेट अपनी मैरिज एक्ट की किताब को पढ़ता है और जब वो पढ़ता है तो कहता है कि इसमें आपका कोई प्रावधान नहीं है, आपका कोई कायदा कानून नहीं है, इसलिए साथियों या तो वो मैरिज, वो शादी अवैध मानी जाती है या उसका कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता है। यदि कोई पुरोहित, कोई पंडित हिंदू धर्म के अनुसार लिखकर दे देता है तो वो शादी मान ली जाती है, और यदि हमारा भिक्षु, हमारा धर्माचार्य हमको विवाह प्रमाण पत्र देता है तो उसको कलेक्टर और मजिस्ट्रेट मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है और इस समस्या की ओर एक्शन कमेटी के संयोजक आदरणीय एडवोकेट मुकुंद खरे जी ने, उनकी टीम ने और मुझे तो खास करके दयासागर बौद्ध जी ने, आरसी बौद्ध जी ने, लखनऊ वालों ने मुझे जब इस बारे में विस्तार से समझाया, 2 घंटे बैठाकर समझाया, तो फिर हम लोगों ने अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें ये निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया कि जहाँ जहाँ भी बौद्ध कानून को लागू करने के आंदोलन होते हैं या सम्मेलन होते हैं या सेमिनार होती है उसकी हमें मदद करनी है, उसका हमें सहयोग करना है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मिशन, दूसरा प्रश्न व्यक्ति। जो लोग व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं या जो व्यक्ति अपने आप को प्राथमिकता देता है, ऐसा व्यक्ति कभी मिशन के काम नहीं आ सकता है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही प्रश्न होना चाहिए, वो है हमारा मिशन। और उस मिशन के लिए, बुद्धिज्म के लिए जो भी काम करता है, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मुकुंद खरे कर रहे हैं या चंद्रमणि पाटिल कर रहे हैं या धर्म प्रकाश भारती कर रहे हैं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति भी, जो शख्स भी अगर बुद्धिज्म के आंदोलन के लिए काम कर रहा है, तो हम जहाँ भी खड़े हैं, जिस जगह पर भी खड़े हैं, हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है कि हमें उस आंदोलन को समर्थन करना चाहिए। तन से और मन से और धन से हमको उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद ही प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत बनाना है। यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना था। क्योंकि बहुत लोगों को बोलना है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1 मिनट और लेकर आपकी बात, अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में एक हवा बहुत तेजी से चल रही है और उस हवा को हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा है। हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं ये निवेदन आप लोगों से इसलिए करना चाहता हूँ कि मुसलमान इस पर अध्ययन करें या ना करें, ईसाई इस पर अध्ययन करें या ना करें, लेकिन बौद्धों को इस प्रश्न पर अध्ययन करने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों को इस प्रश्न पर अध्ययन करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जब हम देश में एक नजर डालते हैं, हमारे देश का राष्ट्रपति हिंदू है, और हिंदू ही नहीं है बल्कि हिंदू पाठशाला से निकल कर आया हुआ है। उपराष्ट्रपति भी हिंदू पाठशाला से पढ़ के आया है, देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू पाठशाला का पढ़ा हुआ है, और सारे केंद्र के मंत्री भी हिंदू हैं। सुप्रीम कोर्ट के 95% जज हिंदू हैं, हाई कोर्ट के 95% जज हिंदू हैं, इस देश के IAS, IPS, कलेक्टर, SP हिंदू हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जिस जिले में जाएंगे, जिस पुलिस स्टेशन में जाएंगे, उस पुलिस स्टेशन में आपको हिंदू मंदिर मिलेगा, हर चौराहे पर हिंदू मंदिर मिलेगा, यानी संतरी से लेकर मंत्री और चपरासी से लेकर अधिकारी तक जब हिंदू हैं, तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? ये कोई और सोचे या ना सोचे, लेकिन अंबेडकर की औलादों को सोचना पड़ेगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों को सोचना पड़ेगा। अभी हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार
मोहन भागवत ने एक तारीख तय कर दी है कि 2025 में हम राम मंदिर बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम मंदिर का कोई मसला इस देश में नहीं है, राम मंदिर की कोई समस्या इस देश में नहीं है। इस देश में है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदलना और उसकी जगह पर मनुस्मृति को लागू करना, क्योंकि 2025 में आरएसएस के 100 वर्ष पूरा होने के लिए हैं। तो वो 100 वर्ष में ये सपना सजे हुए हैं कि हम अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे, हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और हम मनुस्मृति जैसा शासन ले आएंगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूँ, जो भी ऐसी गंदी सोच रखते हैं वो अपनी सोच को बदल लें। ये लोकतंत्र है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। खून की नदियां तो बहेंगी लेकिन ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हे मेरे अनुयायियों, दुनिया की मुसीबतें उठाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। आज हमारा ये संकल्प होना चाहिए, कानून तो हम लागू कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि तो आज भी पार्लियामेंट में 131 सांसद SC ST के बैठे हैं, 131 MP बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आशीर्वाद से उनके कर्जे से बैठे हैं और 200 से ज्यादा OBC के MP आज की पार्लियामेंट में बैठे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का SC, इस देश का ST, इस देश का OBC ना कभी हिंदू था ना हिंदू है और ना दुनिया की कोई ताकत कोई ग्रंथ उन्हें हिंदू साबित कर सकते हैं। तो 350 से ज्यादा लोकसभा में MP बुद्धिस्ट बैठे हैं, प्राचीन काल के बुद्धिस्ट बैठे हैं जो हिंदू नहीं है। 2 महीने के बाद चुनाव आपके सामने आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। जितने भी संगठन के साथी हैं, कोई भी संगठन है या ना भी संगठन है, तो आप अपना संगठन बना बना कर जो वोट मांगने आए उसको एक एक लेटर एक एक प्रार्थना पत्र जरूर दे देना कि यदि आप जीतते हैं, आपको तथागत की अनुकंपा होती है, तो पार्लियामेंट में हमारे बौद्धों का पर्सनल कानून जरूर लागू कराना, क्योंकि जितने लोग चुनाव लड़ेंगे कोई ना कोई एक जीत कर जाएगा और जो एक जीत कर जाए उसी का कॉलर पकड़ लेना कि हमने तुझे जिताकर अंदर भेजा है। अगर तुमने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हमारा कानून हमारा बौद्धों का पर्सनल कानून नहीं बनाया, तो जिन मालाओं से स्वागत किया गया था उन मालाओं की जगह हम तुम्हारा स्वागत दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? मैं आगरा का रहने वाला हूं और आगरा के लोग क्या बनाते हैं ये आप सोच लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज समय नहीं है। सरे साहब को उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्रांति जंत्र मंत्र संसद तक नहीं रहेगी, गांव गांव तक जाएगी। ये आग लगना शुरू हो गई है, बस इसमें हवा देना है, इसकी चिंगारी को तेज करना है और एक दिन इस देश में बौद्धों का शासन होना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद भारतीय साहब।